दोस्तों कहते हैं कि गुरु का दर्जा माता पिता से भी ऊपर होता है, लेकिन क्या हो जब गुरु ही आपको ये कह दे कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो और तुम फेलियर हो और हमेशा फेलियर ही रहोगे। जी हाँ, हमारी आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके टीचर ने ऐसा ही कुछ कहा था। ज़रूरी नहीं है कि हाथ की पाँचों उंगलियाँ बराबर हो, वैसे ही हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है और कोई ना कोई खासियत भी ज़रूर होती है। और एक गुरु का कर्तव्य है कि वो विद्यार्थी की कमी खोजने के बजाय विद्यार्थी की खासियत पर ध्यान देना चाहिए। पर कभी कभी किसी की कही बात दिल पर लग जाती है तो वो डेविड वार्नर जैसा सफल इंसान बन जाता है। जी हाँ, आज हमारी कहानी डेविड वार्नर की है जिनके गुरु ने उन्हें ये बात कही थी। तो आइए चलते हैं डेविड वार्नर के संघर्षमय बचपन में, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको डेविड वार्नर की ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा। डेविड वार्नर का जन्म 27 अक्टूबर सन 1986 में सिडनी के हार्वर्ड और लॉरिन वार्नर के घर हुआ। उनकी फैमिली के आर्थिक हालात बहुत ही खराब थी। डेविड जब छोटे थे तो उन्हें कई बार खिलौने चाहिए होते थे, तो कई बार टॉफ़ी चाहिए होता था, लेकिन ज़्यादातर जवाब ना में ही होता था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने मांगना भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि उनके माता पिता उन्हें कुछ दिलाना नहीं चाहते थे। यार, कौन माता पिता अपने बच्चों को दुखी देखना चाहता है। बस बात इतनी सी थी कि उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वो डेविड को कुछ दिला पाएं। और डेविड भले ही उस समय उम्र में छोटे थे, लेकिन वो ये बात समझ गए थे कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। दोस्तों, वो दिन उस छोटे से बच्चे के खेलने कूदने के थे, लेकिन वो छोटा सा बच्चा जिम्मेदारी उठाने और हार्डवर्क करने की सोच रहा था। यही जुनून और पागलपन है जो आपको लाखों की भीड़ से अलग करती है। बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें एक छोटा सा प्लास्टिक का बैट दिलाया था और उनसे कहा गया था कि इसको संभाल कर रखना, क्योंकि अगर ये टूट गया तो तुम्हें नया नहीं मिलेगा। और डेविड भी समझ गए थे कि आखिरकार ये बैट उन्हें इतने दिन बाद जो मिला था तो एक्साइटमेंट तो होगी ही। और डेविड ने भी उसे अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखा। हर हफ्ते वो सिर्फ तभी यूज़ करते थे जब उन्हें कोई गेम खेलना होता था, क्योंकि वो जानते थे अगर उनसे ये बैट टूट गया तो उन्हें नया नहीं मिलेगा। और वो बैट डेविड के क्रिकेट करियर की शुरुआत की नींव थी। डेविड जब 14 साल के हुए तो धीरे धीरे पॉकेट मनी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि भले उनके माता पिता दोनों कमाते थे, लेकिन परिवार चलाना फिर भी उनके लिए आसान नहीं था। और ऐसे में वो अपने बेटे को पॉकेट मनी कैसे देते, तो उनके पिता ने उन्हें काम पर लगा दिया। कभी कभी डेविड सुबह के 3 बजे तक काम करते, घर वापस आकर 7 बजे स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाते, और यहाँ तक कि हफ्ते के आखिर के दिनों में वो न्यूज़पेपर बांटा करते थे ताकि स्कूल कैंप के लिए पैसा जुटा सकें। और इतनी गरीबी झेलने के बाद भी हर क्रिसमस पर डेविड अपने माता पिता को गिफ्ट देना नहीं भूलते थे। डेविड का मानना है अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो दौर ना देखे होते तो शायद उन्हें चीज़ों की अहमियत नहीं पता चलती, और अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना और उसे पाने के बाद जो खुशी मिलती है वो कैसी होती है शायद वो कभी नहीं समझ पाते। डेविड बचपन से ही एक बहुत बड़े इंसान बनना चाहते थे, नाम और शोहरत कमाना चाहते थे। जब डेविड ने क्रिकेट प्रैक्टिस करना शुरू किया तब उन्हें जो क्रिकेट बैट मिला था उन्होंने उस बैट से ही बहुत सारे मैच खेले। बल्कि उनकी टीम में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हर 6 महीने पे अपना क्रिकेट गेयर बदलते थे। लेकिन डेविड को उनके पिता ने कहा था कि इस चीज को तोड़ना मत, वरना नया नहीं मिलेगा। डेविड लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते थे, लेकिन इससे वो अपना पूरा जोर लगाकर बॉल को नहीं मार पाते थे, इसलिए उनके कोच ने उन्हें राइट हैंड का यूज करने की सलाह दी। और इसी तरह से डेविड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से बैटिंग करने वाले क्रिकेटर बन गए। उन्होंने छोटी सी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र से लोकल क्लब में क्रिकेट खेलने लगे। उन्होंने सिडनी क्रिकेट क्लब के लिए 14 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और 15 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास का हिस्सा बने। जनवरी 2009 में डेविड को ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल T20 टीम में सेलेक्ट किया गया। उन्होंने अपने पावरफुल बैटिंग स्टाइल से 7 चौके और 6 छक्के मारे और उन्होंने 43 बॉल पर 89 रन बनाए।
और ये T20 की दूसरी सबसे फास्टेस्ट इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी थी। डेविड अक्टूबर 2011 में ऐसे पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने T20 में एक के बाद एक सेंचुरी लगाई हो। डेविड चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल चुके हैं और अब सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा हैं। आज डेविड वार्नर एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। बचपन में एक घंटे का $12 कमाते थे, पर आज वो अरबों कमाते हैं। तो दोस्तों, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने सपनों को किसी के कहने पर बीच में अधूरा मत छोड़ना। जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाना, तब तक आप रुकना मत, हारना मत, और एक ना एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। वो कहते हैं ना, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जैसे हमारी सारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए रियलिस्टिक फैक्टोनॉमी।